नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोरेवाड़ा होगा शुरू, महाराज बाग पर निर्णय नहीं। दूसरे दिन भी 30 से अधिक के 11,508 लोगों को लगा टीका। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी हित में मंजूर की मांगे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गोरेवाड़ा होगा शुरू, महाराज बाग पर निर्णय नहीं। कोविड मरीजों की कम होती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने गोरेवाड़ा जंगल सफारी शुरू करने की अनुमति दी है, जिसके बाद गोरेवाड़ा प्रबंधक ने भी पर्यटनों के लिए 22 जून से इंडियन सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगलवार सुबह 8:30 से सफारी शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रत्येक सोमवार को पर्यटकों के लिए सफारी बंद रहेंगी। दूसरी ओर महाराज बाग चिड़ियाघर शुरू होने को लेकर असमंजस की स्थिति है। इस संबंध में चिड़ियाघर प्रबंधक के अधिकारी जिलाधिकारी से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं सेमिनरी हिल स्थित जापानी गार्डन और बालुध्यान भी सुबह 6 से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए खोले गए हैं। तो वही दूसरी और दूसरे दिन भी 30 से अधिक के 11,508 लोगों को लगा टीका। टीकाकरण मुहिम में आई तेजी, 18 से अधिक को करना होगा इंतजार। शहर में रविवार को भी 30 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 11,508 लाभार्थियों ने टीका लगवाया। वैसे 30 से अधिक आयु वर्ग सहित कुल 13,191 लाभार्थियों ने रविवार को टीका लगाया। शनिवार से शहर में 30 से अधिक का टीकाकरण शुरू हुआ। पहले दिन संबंधित आयु वर्ग में 10,000 लाभार्थियों ने टीका लगवाया था। संबंधित आयु वर्ग में टीकाकरण की शुरुआत करने से मुहिम ने गति पकड़ ली है। अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद पिछले 2 दिनों से शहर में 10,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हालांकि 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नागपुर महानगर पालिका को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में 18 से अधिक को और इंतजार करना पड़ सकता है। तो वही तीसरे और विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी हित में मंजूर की मांगे। विद्यार्थियों का बीमा करवाने के फैसले का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वागत किया है। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा फीस कम करने व विद्यार्थियों का बीमा करवाने के फैसले का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वागत किया है। मोर्चा के प्रदेश सचिव कल्याण देश पांडे ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मांगों को लेकर संगठन लगातार विश्वविद्यालय से मांग कर रहा था। देश पांडे ने कहा कि संगठन ने पिछले दिनों भाजपा शहर अध्यक्ष व विधायक प्रवीण दट्ट के, पूर्व महापौर संदीप जोशी, शिक्षक मंच की अध्यक्ष कल्पना पांडे के नेतृत्व में विश्वविद्यालय को ज्ञापन दिया था। इसमें इन मांगों को प्रमुखता से रखा गया था। मांगों के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय दुदे से चर्चा भी की गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रबंधक परिषद में इन मुद्दों को रखा था। सभी सदस्यों ने इस स्वर में यह फैसला लिया है। पत्र परिषद में मोर्चा के शहर अध्यक्ष पारेंद्र पटले, महामंत्री सचिन कराले, दीपांशु लिंगायत, अमोल तिड़के, विद्यार्थी आघाड़ी के संयोजक संकेत कुकड़े, गौरव हरडे उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।